नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी लोकेशन इस वक्त की है हॉट प्रॉपर्टी। साथ ही आपको बताएंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में भी जो हो सकता है आपका सपनों का घर। अगर आपका भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 4697-01 और 4697-02। अगर आप देश के दूसरे हिस्सों से कॉल कर रहे हैं तो नोएडा का STD कोड 0120 जरूर लगाएं। और साथ ही गुजारिश, हमसे बात करते वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखिए और हमें फोन के जरिए ही सुनने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार की। चल पर फटाफट अंदाज में देखते हैं क्या चल रहा है प्रॉपर्टी के कारोबार में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बिल्डरों को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने साइबेरी के बाद ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तानपुर गांव की जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किसानों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की बात की है। ग्रेटर नोएडा के 60 गाँवों के किसानों ने ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन में अधिग्रहण के खिलाफ धरना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भट्टा पार्सल मामले में नाराजगी जताई है। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किसान इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 700 लो बजट फ्लैटों के ड्रॉ की डेट फाइनल कर दी है। ड्रॉ 6 जून को निकाला जाएगा। जमीन अधिग्रहण मामले में मचे बवाल के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव के मसले पर चर्चा हुई। तो ये थी इस हफ्ते की प्रॉपर्टी हलचल। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर PSN राव प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और मिस्टर रूपक जैन वाइस प्रेसिडेंट GM हाउसिंग से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। इससे पहले हमने आपको दिखाया प्रॉपर्टी हलचल के बारे में, अब आपको बताएंगे कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है आम लोगों के निवेश को बचाने और किसानों को मनाने के लिए। और वहीं जिस तरह से आपने उन इलाकों में निवेश कर रखा है जहां से आजकल किसान और प्रशासन के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं, तो आप अपने निवेश को लेकर परेशान भी हो रहे होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया बदलाव हो रहा है लैंड पॉलिसी में डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए। गोवा हो या गुजरात, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा और पुनर्वास नीति हमेशा से विवादों के साए में रही। विवादों की ये आंच बीते महीने राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति की वजह तक बन गई। मामला था भट्टा पारसौल गांव में भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले किसानों का। मामला यहीं तक नहीं रहा, ग्रेटर नोएडा में भी अधिग्रहण से परेशान किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में आने वाले कई गांवों की जमीन को जहां डी नोटिफाई कर दिया, तो वहीं बिसरख और जलालपुर जैसे गांवों की डेवलपमेंट पर स्टे लगा दिया। इससे जहां किसानों ने राहत की सांस ली, वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी ये समझ में आ गया कि काश्तकारों को मनाने के लिए वाकई भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जरूरत है। शायद इसीलिए मायावती सरकार ने बीते गुरुवार को नई अधिग्रहण नीति का ऐलान कर दिया, जिसके अंतर्गत अब निजी कंपनियां सीधे किसानों से जमीन का मोल भाव तय करेंगी और विकास के लिए रजिस्ट्री करा लेंगी। सरकार और अथॉरिटी की भूमिका इसमें सिर्फ मध्यस्थ की होगी। नई नीति के अंतर्गत अब अधिग्रहण उसी सूरत में हो सकेगा जब क्षेत्र विशेष के 70% किसान इस पर सहमति जताएंगे। असहमति होने पर परियोजना की समीक्षा की जाएगी और 70% किसानों की सहमति के बाद जो किसान बचते हैं उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 6 और इससे जुड़ी धाराओं
के तहत कार्रवाई होगी। नई नीति में किसानों को सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन्हें विकसित जमीन में जहां कुछ हिस्सा मिलेगा, वही मुआवजे की रकम का इस्तेमाल वो किसी दूसरी जगह खेती की जमीन खरीदने के लिए करते हैं, तो ऐसे में उन्हें स्टैंप ड्यूटी नहीं चुकानी होगी। जमीन अधिग्रहण की नई नीति काफी हद तक लुभावनी लगती है, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि गाजियाबाद के अलावा बुलंदशहर जैसे शहरों में हाईटेक सिटी के अलावा दूसरे टाउनशिप्स के निर्माण के लिए बिल्डर्स ने जमीन का अधिग्रहण खुद ही किसानों से बातचीत करते हुए किया है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जहां अथॉरिटीज जमीन का अधिग्रहण कर बिल्डर्स और डेवलपर्स को देती है, तो वहीं कई जिलों में खुद डेवलपर किसान से सीधे तौर पर जमीन खरीद कर उसे विकसित कर सकते हैं। ऐसे में नई नीति में इसे भी स्पष्ट करने की जरूरत होगी। साथ ही जमीन की नई अधिग्रहण नीति में सबसे खास बात ध्यान रखने की ये होगी कि चाहे भूमि का अधिग्रहण अथॉरिटी करे या फिर डेवलपर, जमीन का अधिग्रहण जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वहां उसी का निर्माण किया जाए, जिससे कि नोएडा एक्सटेंशन जैसी समस्या भविष्य में फिर ना हो। प्रॉपर्टी डेस्क टोटल टीम। तो माया सरकार ने यहाँ पर नई भूमि अधिग्रहण नीति का ऐलान कर किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। क्या वाकई इस नई भूमि अधिग्रहण नीति से किसान फायदे में दिख रहे हैं? हम चर्चा करेंगे इसी बारे में और साथ ही जानेंगे कि बिल्डर्स और उपभोक्ताओं के लिए ये नीति क्या फायदेमंद होगी या नुकसानदायक। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर राव और मिस्टर जैन। मिस्टर राव, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस नई भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर सबसे पहले क्या राय आपकी है? मेरे ख्याल में ये जो नया नीति लाए हैं, ये नया लैंड पॉलिसी लाए हैं मायावती सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा है। ये किसानों के पक्ष में है और अर्बन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो लैंड है। और इसमें दिक्कत ये है कि जिन किसानों के पास ये ज़मीन है, ये सारा ज़मीन जब ले लेते हैं, सरकार ले लेते हैं या डेवलपर्स ले लेते हैं, तो उनको कॉम्पनसेशन के रूप में बहुत ही कम पैसा मिलता है। मार्केट रेट जो कहते हैं, लेकिन वो सही में वो मार्केट रेट नहीं होता है। तो अभी जो पॉलिसी आया है इसमें ये कह रहे हैं कि अगर 70% ऑफ द फार्मर्स अगर वो सहमत नहीं हैं तो उनका ज़मीन वो नहीं ले सकते हैं। तो ये एक फार्मर्स की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है और उनको कॉम्पनसेशन के रूप में 16% लैंड भी, उनको डेवलप्ड लैंड वापस मिलेगा और उनको अगला 33 साल तक एन्यूटी के रूप में हर साल थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता रहेगा। तो ये जितने भी प्रोविजंस सरकार ने इस नया लैंड पॉलिसी में लाया है ये बहुत ही अच्छे हैं, ये किसानों के हित में हैं और मेरे ख्याल में उनके लिए पहले जो फार्मर्स वर गेटिंग अ रॉ डील, अभी मेरे ख्याल में अच्छा होगा, क्योंकि अगर छोटा थोड़ा बहुत डेवलप्ड लैंड फार्मर को मिल जाएगा उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा और फ्यूचर में उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मिस्टर राव, जो गुजरात में लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसे सबसे बेहतर माना जाता है देश में, अगर उसे तुलना करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं इस नीति? नहीं, अभी ये जो नीति यहाँ पे बनाया है ये काफ़ी अच्छा है। नवी मुंबई में भी सिडको ने जब लैंड लिया था नवी मुंबई शहर बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी यही मॉडल इस्तेमाल किया गया है कि फार्मर्स को डेवलप्ड लैंड के रूप में कॉम्पनसेशन जो है नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ डेवलप्ड लैंड, ये वापस देने का जो प्रोविजन है ये बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि फ्यूचर में ये लागू होगा, तो अभी जो है काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं तो उनका उसमें क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मामले अभी कोर्ट में हैं तो उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है इसमें। जी मिस्टर जैन, यहाँ पर किसानों के बारे में तो सरकार ने बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, लेकिन यहाँ लग रहा है कि बिल्डर्स के बारे में शायद सरकार सोचना भूल गई। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ बोली गई है ये बताया गया है कि 70% मेजोरिटी के साथ अगर किसान एग्री हो जाते हैं उनको 16% लैंड भी मिलेगा, प्लस उनको साथ उनको 16,000 से लेकर 23,000 रुपये पर एकड़ का उनको रिम्बर्समेंट भी मिलेगा जो कि पर एनम होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बिल्डर को भूल के, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट जो लैंड इस समय अवेलेबल है अथॉरिटी बिल्डर्स को ही देगी वो, क्योंकि इससे अच्छी डेवलपमेंट बिल्डर्स जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद नहीं कर पाएगी। और एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब लैंड एक्वायर की जाती है, सपोज़ कीजिए 100 एकड़ लैंड एक्वायर की गई तो उसमें 50% ही खाली डेवलप की जाती है, रेस्ट ऑफ द 50% जो लैंड है वो अथॉरिटी डेवलप करती है जिसके अंदर ग्रीन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सीवरेज वगैरह डाला जाता है। तो बिल्डर के बारे में सोचा गया, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्डर को ध्यान में रख के नहीं किया गया, बट इस समय फिलहाल जो कि कंसर्न था किसानों का, तो ये बेनिफिट किसानों को तो फिलहाल जा ही रहा है। लेकिन 70% उस मेजोरिटी को राशि करना ये एक चुनौती नहीं है?
लोग तो कह रहे हैं कि 100% होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट 70% फिर भी कई हद तक सही चीज़ है कि जो मानी जा सकती है, और लोकतंत्र देश है तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि 70% मेजोरिटी के साथ तो हो सकती है जी। मिस्टर राव, यहाँ पर सरकार कहती है कि हमने किसानों को संतुष्ट करने के लिए ये नई नीति बनाई है जिसमें किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर हम यूपी का हाल देखें तो वेस्टर्न यूपी में अभी भी ऐसे आधा दर्जन गाँव है जहाँ पर किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर। देखिए, अभी आंदोलन तो पहले शुरू किया था और हो सकता है कि आंदोलन की वजह से ही ये नया पॉलिसी बनाया, लेकिन जो पुरानी अधिग्रहण नीति जो रही है, जो पुरानी अधिग्रहण की गई है जमीन, उस पर तो ये लागू होगी नहीं, तो फिर किस तरह से फायदा उन पुराने लोगों के लिए क्या होगा? पुराने में लागू नहीं होगा, तो ये भी वजह हो सकता है कि इनका आंदोलन अभी भी जारी है, क्योंकि ये जितने भी फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे और फ्यूचर में जो एक्विजिशन होगा सिर्फ उसी में ये लागू होगा, तो वहीं पे आके मुद्दा ये खड़ा होता है कि अभी तक जो हुआ है तो उसका क्या है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी फार्मर्स जो है वो एजिटेटेड इसलिए हैं क्योंकि अभी तक जो उनको जो है देव गॉट अ रॉ डील, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं है अभी भी जी। चलिए, अब उनके लिए आगे क्या रास्ता बचेगा ये हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गुड़गांव से लखवीर हैं फोन लाइन पर। लखवीर, सवाल पूछिए। मैडम, केतर सेक्टर में एक विघ्नेश्वरा कंपनी का प्रोजेक्ट बन रहा है जी, उसके बारे में पता करना चाहता हूँ, वो रिटर्न दे रहा है हमें, तो इसके जानकारी कहाँ से हासिल होगी और क्या सावधानी अपनानी चाहिए जी? मिस्टर रूप, समझ जाऊंगा, किसी बिल्डर विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जो स्कीम ऑफर की जा रही है उसके एक बार डॉक्यूमेंट जरूर गो थ्रू कर लें कि क्या स्कीम आपको दी जा रही है। नॉर्मली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केटिंग का, उसके अंदर न्यू ईएमआई टेल पोजीशन की ऑफर की जा रही है, जिसमें बिल्डर आपके साथ प्री ईएमआई, यानी जो आपकी ईएमआई अभी जाएगी पोजीशन से पहले, सिर्फ उसका इंटरेस्ट शेयर करेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में जरूर लें और देखें कि बिल्डर का कौन से बैंक के साथ टाई अप है, और ये रिम्बर्समेंट डायरेक्ट आपको बिल्डर पे कर रहा है या बिल्डर बैंक को पे कर रहा है डायरेक्टली, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में फ़र्क पड़ जाता है। अगर बिल्डर आपको पे कर रहा है तो उसके ऊपर TDS काटा जाता है, और अगर ये डायरेक्ट जो EMI है वो बैंक को जमा हो रही है तो क्या वो TDS काट के जमा करा रहे हैं या वो TDS इंक्लूड नहीं करा है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखवीर, यहाँ पर आपको तमाम रास्ते यहाँ दिखा दिए हैं मिस्टर रूपक ने, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये मिस्टर भैया बाबा बता दिया है आपको। बहरहाल, आपको बता दें हम बात कर रहे हैं माया सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर राव स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से, और रूपक जैन वाइस प्रेसिडेंट GM हाउसिंग से। मिस्टर राव, यहाँ पर आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हमने जिस तरह से जाना है कि जो पहले के किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई उनको इस नीति से कोई फायदा नहीं हो रहा, अब आगे उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए तो मेरे ख्याल में कई लोगों ने अभी कचहरी में गए हैं जी, तो अभी वहाँ पे जो डिसीजन होगा, हो सकता है कि इस नीति में अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलिसी बन गया है कि ये पॉलिसी फॉर ऑल टाइम्स टू कम, अब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा जैन साहब ने भी बताया है ये एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोगों का चलना चाहिए, खास करके किसानों का, और हो सकता है कि इस पॉलिसी में और भी फाइन ट्यूनिंग आएगी, मेरा यही सोचना है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है जी, तो इसलिए मेरे ख्याल में जब हम पॉलिसी तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसी के बेसिस में हम अभी टिप्पणी कर रहे हैं, तो जैसा उसका एक्चुअल पॉलिसी हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो गैप्स आएंगे फिर उसमें अभी और चर्चा होगा, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी और आ जाएगा, तो फिर हो सकता है कि कोई उसमें रास्ता निकाले, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, एक है इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स का जो अप टू 25 एकड़ से लेके 500 एकड़ तक है, और दूसरा है हाईटेक टाउनशिप का जो पॉलिसी 2007 में आया था, और उसमें भी काफ़ी उन्होंने विद द फ्लो ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी बदलाव लाए हैं। हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी में भी उन्होंने जो 1500 एकड़ से ऊपर जो टाउनशिप्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस लाए हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो नया लैंड पॉलिसी लाया है इसमें भी शायद जरूर अमेंडमेंट्स होंगे और होना भी चाहिए जी। चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही होंगे हमारे साथ तमाम कॉलर्स। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हमारा एक खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार, और आज हम बात कर रहे हैं माया सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर, और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लगातार दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं सतनाम सिरसा से। सतनाम जी, सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं माया सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर। सर, इस नीति के बाद से किसान कितने फायदे में दिख रहे हैं, और बिल्डर्स अब उनके लिए क्या कुछ फायदे इसके बाद होंगे, और कितने कितना नुकसानदायक ये पॉलिसी हो सकती है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से प्रोफेसर डॉक्टर पी एस एन राव, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जे एम हाउसिंग से वाइस प्रेसिडेंट रूपक जैन। तो आज बात हो रही है नई भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर। मिस्टर राव, इस अधिग्रहण नीति, इस नई पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो उपभोक्ता है वो कहाँ दिख रहा है, उसके लिए ये नीति कैसी दिख रही है? देखिए, ये नीति जो है पूरा उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन जो एक्टिव मार्केट है वो दिल्ली एनसीआर में ही एक्टिव हैं, और ख़ास करके जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद। तो इसमें जो नोएडा एक्सटेंशन में अभी क्या हुआ है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट्स अभी आगे हैं, और यहाँ पे जो यूपी सरकार ने जो पॉलिसी बनाया है उसमें लैंड डेवलपर्स को अलॉट किया गया है एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स, एंड उन्होंने ये भी बताया है कि आपको सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट में देने की ज़रूरत नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। ये एक किस्म से डेवलपर्स को, इट वाज अ प्रो डेवलपर पॉलिसी, डेवलपर्स को एंकरेज करके ज़्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे लाने के लिए। तो उसमें बहुत सारा डेवलपर्स ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सटेंशन में शुरू कर दिए हैं, और उनको लैंड जो है काफ़ी सस्ते रेट्स में मिला है। लेकिन अभी उन सबको क्या होगा, क्योंकि अब सारा फार्मर्स अभी उसमें एजिटेट कर रहे हैं कि हमको बहुत ही कम पैसा मिल रहा है, और ये भी पता नहीं कब मिलेगा। तो इसमें काफ़ी कंज्यूमर्स जो है, एंड कंज्यूमर्स काफ़ी इसमें दिक्कत में पड़ गए हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सब बंद हो गए हैं एक किस्म से। तो अब कॉमन मैन का क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा हो गया है। तो आज की तारीख में डेवलपर्स के लिए इसमें अब काफ़ी दिक्कत आ गया है, और मैं समझता हूँ कि ये मामला अभी इतना जल्दी इसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना आप इसको डिले करते रहेंगे उसमें प्राइस का एस्केलेशन हो जाएगा, और बहुत सारे लोग, कुछ डेवलपर्स जिनके पास दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट से लेकर अगर दो तीन प्रोजेक्ट्स इनका बंद पड़ गए हैं तो दूसरा प्रोजेक्ट्स में उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो लोकेशन देख के प्रोजेक्ट को चुना है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपना पैसा वापस कर दीजिए। तो अगर डेवलपर सबका पैसा वापस करेंगे तो फिर आगे डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कैसा करेगा, और इसके वजह से अब जो फ्यूचर बुकिंग्स है वो सारा बंद पड़ गए हैं, और पीपल हैव डेवलप्ड कोल्ड फीट, तो नोबडी वॉन्ट्स टू पुट एनी मनी नाउ इन नोएडा एक्सटेंशन। तो इसमें जब खराब चलता है तो सारा एक ही इस पॉलिसी के बाद और स्थिति सुधरने, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें समय लगेगा इसको लोगों को अच्छी तरह से इसको समझने के लिए, और थोड़ा टू गेट बैक द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, इसमें अभी समय लगेगा। चलिए, तो बिल्डर्स के लिए और मेहनत पड़ गई है। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, इनसे जान लेते हैं उनकी समस्याएं। संजीव है रोहतक से। संजीव, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए संजीव जी। मैडम, मैंने बहादुरगढ़ में एक फ्लैट बुक करवाया था जी, जो 36,50,000 रुपए में सौदा हुआ था, कि 36,50,000 रुपए हैं जी। उसके बाद उन्होंने मेरे को लिस्ट दे दी थी कि 5% एक्स्ट्रा ये लगेगा, ईडीसी चार्ज लगेगा या रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, वो उसने सब बता दिया था जी। तो अब जब बुकिंग अमाउंट मैंने दे दिया था, तो दूसरी किस्त जब आई तो उन्होंने बताया कि आपको 3.65 की बजाय 3.74 कुछ देना है जी। तो मैंने पूछा जी, 9,000 रुपए ज्यादा की चीज है? बोला जी, सर्विस टैक्स है। मानी जब आपने रजिस्ट्री चार्ज भी लिखा था उसमें कि रजिस्ट्री चार्ज भी लगेगा, वो लगेगा, एक्स्ट्रा होगा, तो ये सर्विस टैक्स क्यों नहीं बताया आपने जी? तो सारा वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो सबको ही देना पड़ता है, किसी भी उससे आप खरीदेंगे तो ये टैक्स तो आपको देना ही होगा, सर्विस टैक्स है, 2.5% या कुछ समथिंग इसी तरह का बताया मैडम जी। मिस्टर रूपक, अब क्या इनके सामने रास्ता है, सर्विस टैक्स अब उनसे लिया जा रहा है? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बिल्डर ने या बिल्डर के स्टाफ ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये बिल्कुल गलती हुई है।
लेकिन जी हाँ, सर्विस टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेबल है और ये टैक्स जो है कस्टमर को ही बेयर करना होता है, क्योंकि ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 2.575% है जो कि आपको अपने बेसिक चार्जेस पे करना होता है। मैं यहाँ पे एक जानकारी वो देना चाहूँगा कि आपके जो अदर चार्जेस हैं IFMS को छोड़ के और पार्किंग को छोड़ के, जिनके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता, बाकी सभी चार्जेस के ऊपर 10.33% सर्विस टैक्स लगाया जाता है। आगे आप बिल्डर से बात करें, लेकिन सर्विस टैक्स तो आपको पे करना ही होगा क्योंकि ये आपका ही टैक्स बनता है जी। तो क्या ये जरूरी होता है कि इसकी जानकारी, क्योंकि ये देना तो है ही, ये तो सरकार की तरफ से है कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन क्या ये बिल्डर को बताना भी पड़ेगा इसके बारे में जानकारी देनी? देखिए, इनिशियल तौर पे बिल्डर को जानकारी देनी चाहिए थी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उस समय अवेयरनेस नहीं आई थी ये जो आया था कोर्ट की तरफ से, इसके बारे में हर कॉमन पीपल को जानकारी नहीं थी। बट आज की डेट में सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप दुकान पे कोई भी चीज़ लेने आते हैं, बिल कटवाते हैं, तो सब सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। सेम इसी तरह के है कि जो इंडस्ट्री आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे आपको सर्विस टैक्स पे करना होगा। अब क्योंकि बिल्डर ने इनको नहीं बताया इनके मामले में, तो इन्हें देना ही होगा। देखिए, देना तो होगा क्योंकि टैक्स इनका है, बिल्डर नहीं बेयर करेगा, देना होगा। लेकिन जी हाँ, अगर मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन बात बिल्डर से कर सकते हैं, वो भी यही कहेगा कि क्योंकि ये कॉमन जानकारी है, आपको होनी चाहिए थी इस बारे में कोई जानकारी, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये जानकारी उनके अलॉटमेंट लेटर में जरूर लिखी हुई होगी। अगर आप उसको दोबारा पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कोई भी टैक्सेस जो गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेबल हो गए वो आपको बाद में बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि आज पोजेशन से पहले भी अगर कोई टैक्स आ जाता है और उस समय आप कोई चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट निकालती है उस समय वो आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी और आपको ये सर्विस टैक्स भी पे जरूर करना पड़ेगा, और बाकी आप बात कीजिए अपने बिल्डर से, वो अगर इस पर राजी हो जाता है तो ही कोई रास्ता आपके लिए निकल सकता है, अदरवाइज आपको ये सर्विस टैक्स पे जरूर करना पड़ेगा। अगले कॉलर है युधिष्ठिर कलानौर से। युधिष्ठिर, सवाल पूछिए। युधिष्ठिर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं कुमारी, ग्रेटर नोएडा में BHS जी। ग्रेट सवाल पूछिए युधिष्ठिर, हम आपको सुन रहे हैं। BHS 09 में एक अलॉटेड प्रॉपर्टी है 120 स्क्वायर मीटर का जी। नमस्कार मैडम, हम आपको सुन पा रहे हैं युधिष्ठिर, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। हमारा ये ग्रेटर नोएडा में BHS 09 स्कीम के तहत एक प्रॉपर्टी है जी, तो उसके फ्यूचर के बारे में कुछ बताएंगे जी? क्या लगता है मिस्टर राव, फ्यूचर क्या दिख रहा है? देखिए, मैं ब्रॉडली बताऊंगा आपको, ग्रेटर नोएडा का फ्यूचर तो काफी अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अभी मेट्रो का काम शुरू हुआ है, और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे सेक्टर्स में मेट्रो का कवरेज अभी आने वाला है, और ज़्यादातर डेवलपमेंट NCR में अगर देखा जाए, प्लान्ड डेवलपमेंट अच्छी तरह से जो बन रहा है वो नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। आज की तारीख में हम सोचते हैं कि ग्रेटर नोएडा थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो दूरी बहुत ही जल्द कम होने वाली है, क्योंकि बढ़िया सा एक्सप्रेसवे बन गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ खुल गए हैं, और मेट्रो भी आने वाला है ग्रेटर नोएडा में, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूर डेवलपमेंट होगा, तो उसमें आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसलिए आपका प्रॉपर्टी जहाँ पर भी है आप प्रॉपर्टी को अपने पास रखिए। अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं हो तो, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जो आपका पर्सनल वेल्थ प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर निर्भर है, आपको देखना है कि आपका फैमिली सर्कमस्टेंसेस अभी इस वक्त क्या है, आपको तुरंत पैसा चाहिए किसी चीज़ के लिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो प्लॉट को पड़ा रहने दीजिए वहाँ पे, क्योंकि ज़रूर उसका वैल्यू बढ़ेगा। चलिए, तो ग्रेटर नोएडा का फ्यूचर तो बहुत उज्जवल दिख रहा है और अच्छा है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो आप इसे होल्ड करके रखिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। अगले कॉलर है मनोज कुमार। मनोज, सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं पूछना चाहता था कि सोनीपत में Sector 3 में 2-bedroom फ्लैट रहना ठीक रहेगा, या चंडीगढ़ के पास जिकपुर में VIP रोड पे 2-room का फ्लैट लेना ठीक रहेगा? दोनों में कहाँ ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? कौन सा बेटर है मनोज जी? एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट का सिंपल प्रिंसिपल जो रहता है, ये देखिए कि प्रॉपर्टी आज दोनों जो सेक्टर आप जो दोनों एरिया बता रहे हैं डेवलप हैं और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये देखिए, इस समय प्रॉपर्टी दोनों जो बिल्डर आपको दे रहे हैं किस स्टेज पे है,
इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट की गई प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलता है? प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट 50% कंप्लीटेशन के ऊपर है, वहाँ पे रेट आपको दूसरे एरिया से ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन भी थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा, क्योंकि आप 50% कंप्लीटेड प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 50% तो वो एप्रिसिएशन ले ही चुका होगा बिल्डर। कॉल आपको लेनी है कि आप कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न जो है जितना मैक्सिमम आप वेट करेंगे और जितने इनिशियल टाइम में बिल्डर के साथ जुड़ेंगे उतना मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना इंटरेस्ट गेन करेंगे। चलिए तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आपके सपनों का घर और साथ में होंगी आपकी कॉल्स। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हमारा एक खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार, और अब से कुछ ही देर में आपको हम दिखाने जा रहे हैं आपके सपनों का घर। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड़गांव से रोहित हैं फोन लाइन पर। रोहित सवाल पूछिए। मैम मेरा एक यमुना एक्सप्रेस वे में प्लॉट है जी, और वो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जो कि अभी पीछे जो लॉटरी निकली थी उसके अंदर मेरे को वो मिला था। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के ये जो जमीन वापस कर रही है कुछ गांव की जी, या फिर कुछ उनको एक्स्ट्रा कुछ पे कर रही है किसानों को, तो उससे क्या हम लोगों को कुछ इम्पैक्ट आने वाला है जी? क्या लगता है मिस्टर राव? आपका सवाल मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया है आपका। आप गुड़गांव से हैं तो आपका जो 300 गज का प्लॉट है ये गुड़गांव में है या यूपी में है? मैंने आपको बताया है कि ये यमुना एक्सप्रेस वे में मेरा प्लॉट निकला था। अच्छा ठीक है, जो कि वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है यूपी की। ठीक है, तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ अभी यूपी गवर्नमेंट वहाँ पर किसानों को कुछ पैसा दे रही है उस जमीन के बिहाफ पे, या फिर कुछ जमीन वापस कर रही है, क्या हमें कुछ उसका इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा? क्या हमें प्लॉट वापस करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा? समझ गया आपका सवाल। ऐसा है, सबसे पहले आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको प्लॉट मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट जो है हमेशा बिल्कुल सेफ रहता है इसमें, और हमेशा जहाँ पे भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जब आपको प्लॉट मिलता है उसमें एक कंडीशन जरूर ये लिखा रहता है कि एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन का एक उसमें क्लॉज होता है। वो ये है कि जहाँ से भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जब कॉलोनी बनाती है तो फार्मर से लैंड एक्वायर करके अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट फिर उसको डेवलप करके प्लॉट्स काट के प्लॉट्स देते हैं। तो वहाँ पे अक्सर ये हमें देखने को मिलता है कि फार्मर्स जो है वो कोर्ट में जाते हैं एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन के लिए, क्योंकि जो उसमें क्लॉज है मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू पे हमेशा उसमें विवाद होता है और फार्मर्स जो है वो ज़्यादा कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम डालते हैं कोर्ट में। और कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट्स ने उनका जो एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मंजूर किए हैं, तो उस समय पर आपको थोड़ा बहुत उसमें जो एनहेंस कॉम्पनसेशन है वो आपको एक चिट्ठी मिलेगा और वो आपको देना पड़ेगा। और जो प्लॉट वापस करना है वो वाला सवाल जो है मेरे ख्याल में वो नहीं होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। लेकिन जो एनहेंस कॉम्पनसेशन है वो ज़रूर हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके रहना अच्छा है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए रोहित, और आइए अब बारी है आपके सपनों के घर की। सपनों के घर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अजनारा ग्रुप के प्रोजेक्ट जेएनएक्स की खूबियों के बारे में, जिसे बनाया जा रहा है गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में। क्या है इस प्रोजेक्ट में खास, आइए देखते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक में NH24 पर डेवलप अजनारा के प्रोजेक्ट जेनेक्स की खूबियों के बारे में। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 और 3 BHK अपार्टमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपको लिविंग कम डाइनिंग रूम के साथ ओपन किचन प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ आपको फ्लोरिंग पर विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी, जबकि मास्टर बेडरूम में लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अपार्टमेंट में आपको ब्रांडेड कंपनियों की बाथ फिटिंग्स भी मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में क्लब्स पास के अलावा 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा भी मिलेगी। क्रॉसिंग रिपब्लिक में होने की वजह से आपको कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। यहाँ स्कूल और मॉल के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्लेग्राउंड भी है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ से NH24 से 45 मिनटों की ड्राइव के जरिए दिल्ली के दिल के नॉर्थ पे पहुँचा जा सकता है।
वहीं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन 20 मिनटों की ड्राइव के जरिए पहुंचा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको अजनारा का ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो ये था आपके सपनों का घर, आइए इस बारे में जान लेते हैं क्या लगता है मिस्टर रूपक इस प्रोजेक्ट के बारे में। रिनोवेट बिल्डर है अजनारा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और अभी जो नोडा एक्सटेंशन की तरफ प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं फेस कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि क्रॉसिंग रिपब्लिक एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इस समय जाना। प्रॉपर्टी बिल्कुल रेडी टू मूविंग कंडीशन के अंदर है, आप जाके पोजीशन ले सकते हैं, एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट और रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। चले तो ये खूबियों के बारे में हमने भी आपको दिखाया है और यहाँ पर बेहतर लोकेशन वाइज भी कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहें, तो ये बेहतर लोकेशन साबित होगी, बेहतर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हो सकता है। अगले हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आरपी सिंह हैं गुड़गांव से। बताइए मिस्टर सिंह, क्या है आपका सवाल? चलिए इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं माया सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर कि आखिर अब इस पॉलिसी को लेकर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी के बाजार में। तो मिस्टर राव, जिस तरह से हमने पहले चर्चा की, आपने जिक्र किया कि जो तमाम टाउनशिप्स यहाँ सरकार की तरफ से PPP फॉर्मूले पर चलाई गई हैं, क्या लग रहा है इस पॉलिसी के बाद उन पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा? हाँ जरूर, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो हाईटेक टाउनशिप हैं जिसको अभी एक दूसरा नाम दिया है न्यू टाउनशिप पॉलिसी करके, जो उसको अमेंड करके लाए हैं, तो उसमें एक डेवलपर को कम से कम 1500 एकड़ इकट्ठा करके एक टाउनशिप बनाना है, तो उसमें 1500 एकड़ तो काफ़ी बड़ा ज़मीन होता है और उसमें बहुत सारे फार्मर्स को आपको इकट्ठा करके उनका लैंड आपको लेना पड़ेगा। और अभी फार्मर्स जो है ये नया पॉलिसी आने के बाद ज़रूर अपना जो मांग जो है वो उसको इंक्रीज़ करेंगे और ज़्यादा पैसा मांग सकते हैं डेवलपर से, तो इसमें हो सकता है कि द एंटायर पॉलिसी इन माय ओपिनियन कैन लीड टू ग्रेटर प्राइसेस ऑफ लैंड एंड ऑब्वियसली ग्रेटर प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो है इस पॉलिसी का एक आउटकम हो सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो क्या माने जो जहां पर अभी फिलहाल जिन टाउनशिप्स में कम काम चल रहा है क्या वो ठप हो जाएगा, क्योंकि ऐसी लगातार खबरें मिल रही है कि ये योजनाएं जो हैं ये सब अधर में लटक सकती हैं? ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि कई जगह पे सारा जमीन डेवलपर्स ने नहीं लिया है, बहुत सारे जमीन में अभी पावर ऑफ अटॉर्नी में उन्होंने लिया है या एग्रीमेंट में लिए हैं, तो अभी पूरा नहीं लिया है, तो हो सकता है कि फार्मर्स अभी अपना प्राइसेस बढ़ाएं या कोई लिटिगेशन शुरू करें उसमें, तो जरूर इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकती है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में बिल्डर्स उनके लिए कितने बड़े नुकसान वाली स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये नुकसान एंड यूजर को ज़्यादा मिलेगा बिल्डर से ज़्यादा। जैसे किसान को जितना बीज महंगा मिलता है, खेत फल उतना ही महंगा बेचा जाता है, उसी हिसाब से अगर लैंड जितनी महंगी बिल्डर को पड़ती है वो उसी हिसाब से आपको आगे घर बना के दे पाएगा। तो ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर डेफिनेटली समझौता तो कहीं नहीं करेगा अपने प्रॉफिट से। एक बिजनेस है जी, बिजनेस के अंदर समझौता एक हद तक किया जा सकता जी। है तो उसके अंदर तो अगर वो आपको डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, एक एरिया एक आपको घर बना के दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक नॉमिनल मार्जिन के ऊपर तो बिल्डर डेफिनेटली काम करेगा, पर वो नॉमिनल मार्जिन ही आज के डेट में इतना बड़ा गैप आ रहा है। अगर लैंड का रेट इस हिसाब से पहले जैसे हम बता रहे हैं कि 10,000 रुपये के ऊपर हुआ था, अब अगर किसान बेचता है इसको 20,000-25,000 पे, तो वो तो एंड यूजर को ही पास होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे नुकसान कस्टमर्स को इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है जी। तो यहाँ एंड यूजर जो है सबसे बड़े हाशिए पर दिख रहा है क्योंकि उसके लिए ऐसी स्थिति में नुकसान ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसको ज़्यादा पे यहाँ पर करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं जम्मू से, सुनील हैं फोन लाइन पर। सुनील सवाल पूछिए। सुनील अगर आप तक आवाज पहुँच रही है तो सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली ला रेजिडेंशिया में प्रोजेक्ट लिया है, मैं बुकिंग अमाउंट में दे चुकी हूँ और मैंने अभी लोन, मेरा लोन सैंक्शन हुआ पड़ा है, डिस्पर्समेंट मैंने लिया नहीं है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इस वक्त डिस्पर्समेंट लूँ इसका या बुकिंग अमाउंट वापस ले लूँ, क्या करूँ? आई मीन अ डिलेमा जी, क्या करें ये मिस्टर रूपा? देखिए अभी तक जो कंसर्न उठे थे ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल सेफ है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी तरफ से यही सजेशन है। चलिए तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे मिस्टर राव? देखिए हम किसी इंडिविजुअल डेवलपर के बारे में हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने इस डेवलपर के बारे में आपने बताया है कि अमरपाली जो है वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स हैं नोएडा एक्सटेंशन में,
और NCR में, लेकिन इन्हीं का कुछ और प्रोजेक्ट्स में ये कुछ प्रॉब्लम आए हैं अभी पीछे, और फिर उनमें बहुत सारे एंड यूज़र्स ने जो पैसे दिए हैं उन्होंने ये बताया है कि हम क्या करें, क्योंकि अब तो इसमें प्रॉब्लम में लिटिगेशन में आ गया है, तो उन्होंने ये उनको एक सजेशन दिया है कि हमारा कोई दूसरा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप जाके ले सकते हैं। तो ये डेवलपर का रेपुटेशन अच्छा है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र किया है तो उसमें मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने का स्कोप अच्छा है, तो इसलिए आपको इवन एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। चले तो आप होल्ड करके रखिए, कंटिन्यू कीजिए, आप के सामने यही एक रास्ता जो बेहद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिस तरह से हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी मिस्टर रूपा की, एंड यूज़र को इस स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं हो जाती हैं, ऐसे में बिल्डर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है उन एंड यूज़र्स को कन्विंस करना? देखिए, मार्केट में कंपटीशन है, तो डेफिनेटली रेट उसी हिसाब से अप्रिशिएट किया जा सकता है कि जितना मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है और बिल्डर दूसरे किस रेट पे बेच रहे हैं। बट अब यहाँ पे कन्विंस करना बिल्कुल एक टास्क हो जाता है बिल्डर के लिए भी, कस्टमर को ये समझाना कि आज की रेट में महंगा क्यों बेचा जा रहा है। बट वहीं अगर हम बात करें तो गुड़गांव के अंदर भी है, और ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर महंगी प्रॉपर्टी बिक रही है, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, तो अब तो ये नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है और इस पॉलिसी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है पॉलिसी, तो डेफिनेटली ये नुकसान तो सबको बेयर करना पड़ेगा। बिल्डर भी शेयर करेगा, क्योंकि बिल्डर उस मनचाहे एप्रिसिएशन को नहीं लगा सकता, उस मार्जिन को नहीं ले सकता है, उसको डेफिनेटली बजटिंग हाउसिंग आजकल फोकस चल रहा है कि बजट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स निकालें, और वहीं पर ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लग्जरी प्रोजेक्ट्स के बराबर पहुँच जाती है, तो ये इम्पैक्ट तो अब सबको शेयर करके चलना पड़ेगा। जी चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल टेली से हेमराज है हमारे साथ फोन लाइन पर, बताइए हेमराज, सवाल क्या है आपका? चलिए, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, और फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर, सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति, इसे लेकर क्या आगे का इम्पैक्ट होगा बिल्डर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए, और साथ ही किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, रणबीर। रणबीर, सवाल पूछिए। मैडम जी, मेरा ये एक डिग्निटी अलॉटमेंट हुआ है एलआईजी से, फिर से दोहराइए रणबीर। तो मैडम, ये क्या ये सेलेबल है या सेल नहीं हो सकते, और अगर रखने हैं तो इनका क्या फ्यूचर है, कोई इसमें है अच्छी इन्वेस्टमेंट के लायक? जी, अगर मिस्टर आप सवाल समझ पाए हैं तो उसका जवाब। जो हमारे जो हमें सुनाई दिया है, आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में आपका अलॉटमेंट हो गया है, अभी रिसेंट जो अलॉटमेंट हुआ है DDA का, एक फ्लैट अलॉट हुआ है आपका, और आप ये जानना चाहते हैं कि उसको रखें या ना रखें। मेरे ख्याल में दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है वो भी DDA का जो अलॉटेड प्रॉपर्टी है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छा है कि आपको एक अलॉटमेंट हो गया है DDA की तरफ से। मैं यही कहूँगा कि आप उसको रखिए अपने पास, क्योंकि इसमें एस्केलेशन तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, जब भी चाहे आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन बेचे क्यों? अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो ये तो सोने से भी ज़्यादा इसका भाव है। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है, दिल्ली के अंदर जो है उसका एक अलग पहलू है, और दिल्ली के बाहर जो है उसका अलग एक चीज़ है। तो दिल्ली के अंदर अगर आपको मिल गया है तो आप इसको प्रॉपर्टी को रखिए, ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, और इसको मत बेचिए। और जब बिल्कुल आपको और कोई ये नहीं है तो उस समय पर आप इसको निकाल सकते हैं। जी चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हमारा एक खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार, और आज हम बात कर रहे हैं माया सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति, और साथ ही आपके सवाल भी ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ गुड़गांव से, दीपक। दीपक, सवाल पूछिए। हेलो जी दीपक, हमारा सवाल है, ये गुड़गांव में
ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में जीएमडी का एम्पायर बन रहा है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे शॉप ली है हमने, क्या रेट होना चाहिए इसका और ये कब तक इसमें आगे बढ़ने रहना चाहिए कि बेच देना चाहिए? क्या लगता है आपको मिस्टर रूपा? देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसका चार्म डेफिनेटली दिखाई देगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है और डेफिनेटली ज़्यादा रहता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे रेट जो है 14 से 15 हज़ार रुपये के हिसाब से होना चाहिए। और इसको मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, आप इसको क्या देखते हैं, आगे अपने शोरूम यूज़ ले खुद लेके चलना चाह रहे हैं, किराए पे देना चाह रहे हैं, बट इन एनी कंडीशन इट इज़ अ बेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये बात यहाँ पर मिस्टर रूपक भी कह रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ गुरदीप है अम्बाला से। गुरदीप, सवाल पूछिए। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार गुरदीप, सवाल क्या है आपका? हाँ जी मैडम, बात ऐसी है, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। यहाँ हमारे मकान बने हुए हैं 2002 के मैडम। कहाँ पर? ये अम्बाला में है मैडम। हेलो जी, आगे बताइए। हाँ जी, अम्बाला में है, 2002 के हमारे मकान बने हुए हैं, हमने बैंक से लोन लेके यहाँ मकान बनाए हैं जी। और यहाँ पर जो है धारा 4/2004 के बाद में लगी मैडम जी। और उसके बाद में 2004 लगने के बाद में हमने इसका केस किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है हमारे 31 पॉइंट में से एक भी पॉइंट पे हमारी सुनवाई नहीं हुई जी। और उसके बाद में वहाँ पे ये जो खाली जो जमीन थी उसके साथ में हमारा केस लगा के ये क्या है, इन्होंने बिल्कुल उसको नकारा कर दिया, अभी हम हार गए। जबकि टाउन प्लानिंग बोलती है कि इस एरिया में 147 मकान बने हुए हैं और ये जो है हुड्डा बोलती है कि यहाँ पर एक ही मकान नहीं बना हुआ है जी। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा हाई कोर्ट के लिए रिव्यू किया जी। अब आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैडम, सवाल क्या है आपका? मैडम सवाल ये है कि जब हमारे इतने मकान यहाँ बने हुए हैं और टाउन प्लानिंग यहाँ बोलती है कि यहाँ पर मकान 147 बने हुए हैं, जबकि हुड्डा जो है यहाँ हरियाणा का जो ये बोल रहा है यहाँ एक भी मकान नहीं है, हम यहाँ पर केस हाई कोर्ट में किया तो वो केस क्या है, ये इन्होंने खाली जमीन के साथ में लगा के हमारे को। इनका अभी पूरा हमारे समझ में ये नहीं आया है कि दिक्कत क्या है, 2004 में क्या हुआ था, आपने क्या बताया है हमें ठीक से समझ में नहीं आया। आपको प्लॉट अलॉट हुआ था अम्बाला में 2002 में, फिर 2004 में क्या हुआ था, कोर्ट में क्यों गए हैं आप? 2002 में मकान बना लिए थे सर, यहाँ पर आपने मकान बना लिया है ना? 2002 में मकान बना लिए जहाँ जमीन अधिग्रहण में, ये 2004 के बाद में यहाँ पर धारा 4 लगा दी कि हम इस जमीन को अक्वायर कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे में मकान बना दिया ना, फिर चार में क्या कर रहे हैं? में मकान बन गए थे हमारे पास पूरे, बैंक ने लोन भी दिया मकान का और सारा कुछ किया। हेलो जी, 2004 में हुआ क्या था असल में? अच्छा, उसके बाद में जब यहाँ 147 मकान बने हुए हैं मैडम और टाउन प्लानिंग ग्रहण कर लिया, मतलब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया इनका जी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया आपका 2004 में? 2004 में प्रॉपर्टी एक्वायर किया ये। अच्छा, तो 2002 में जमीन किसने दिया है आपको? ये अनऑथराइज कॉलोनी था क्या? ये कॉलोनी थी सर, अनऑथराइज कॉलोनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब समझ में आया है। हाँ जी, और इसके साथ में जो है ये इन्होंने बिल्कुल कॉलोनी के साथ साथ में एक सेक्टर काट दिया। हेलो, हाँ जी ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया है, अब मुझे सुनिएगा। ऐसा है कि जो हमारे समझ में आया है, कोई प्राइवेट लेआउट था, उसमें आपने प्लॉट खरीद लिया, मकान बना लिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्विजिशन का अनाउंस कर दिया है और लैंड एक्वायर करके वहाँ पे प्लॉट काटने का प्रोग्राम बनाया है, तो इसमें अब मामला कोर्ट में है, तो जो इसमें कोर्ट में जो आदेश मिलेगा उसी के हिसाब से फिर आपको आगे इसमें रास्ता मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुदीप हमसे सवाल करने के लिए। अगली कॉलर हमारे साथ हैं कमलेश। कमलेश सवाल पूछिए। मैं कमलेश बोल रहा हूँ, छपरा से, छपरा बिहार से जी। सवाल पूछिए।
ये लखनऊ में रायबरेली रोड पे एक ओमेक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है प्लॉट सिस्टम का जी, तो उसमें उसमें इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं? मिस्टर रूपक देखिए, बार बार यही चीज दोहराना चाहूंगा, जो इन्वेस्टमेंट का गुरु मंत्र होता है कि आप किस समय प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आज के माहौल को देखते हुए कि एक बार आप बिल्डर्स के पेपर्स जरूर चेक करें, रजिस्ट्री या लीज जो भी वहां पे दी गई है डीओटी की तरफ से वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ चेक करें कि प्रोजेक्ट बैंकेबल है कि नहीं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि बैंक जब प्रॉपर्टी को बैंकेबल करता है तो डेफिनेटली बैंक भी अपनी तरफ से काफ़ी एजेंसीज को हायर करके पेपर्स की वेटिंग करके उसको प्रॉपर चेक करके ये डिसाइड करता है कि इस प्रॉपर्टी पर लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली जैसा कि शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इस दौर पे कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। आप देखेंगे कि अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को पूरा होने के टाइम लगभग 3.5 से 4 साल तक का दे रहा होगा बिल्डर, उस बीच में आपको लगभग 700 से 800 रुपये का मिनिमम एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिल जाएगा जी। और अगले कॉलर हमारे साथ गुड़गांव से रमेश है, रमेश सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार रमेश, आप थोड़ा तेज बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक मेरा अलॉटमेंट है जमुना एक्सप्रेसवे में, तो ये जो हंगामा हो रहा है उसमें इफेक्टेड तो नहीं है हम लोगों का? सेक्टर 20 में है 300 वर्ग मीटर का जी। मिस्टर राव, ये जो अलॉटमेंट आपको नोएडा की तरफ से मिल रहा है ना, जमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से सर? अच्छा, देखिए जैसा हम पहले भी एक और कॉलर को बताया है कि इसमें लैंड का प्राइस जो है अगर फार्मर्स एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मांगेंगे तो इसमें ज़रूर प्राइस बढ़ सकता है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपको ज़रूर पे करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी हमें कॉल करने के लिए, और साथ ही आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम के दौरान। तो फिलहाल आज हमने बात की है भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर, कल फिर होगी आपसे मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।